स्वागत है दर्शकों एक बार फिर से आपका। इस समय हम खड़े हैं अणु चौक में, काफ़ी व्यस्तम चौक माना जाता है हमीरपुर का। ये जो मेरी दाई तरफ है ये रास्ता निकल जाता है सुल्तानपुर को, सुल्तानपुर पालमपुर ये भी नेशनल हाईवे है, और ये है जो आप मेरे बाई तरफ देखेंगे ये सीधा रास्ता निकलता है NIT के लिए। कहीं ना कहीं ये जो चौक है काफ़ी व्यस्तम चौक है और नेशनल हाईवे 70 के तहत जो है वो ये रास्ता आता है। आप इस समय देख सकते हैं मेरे पीछे, जो क्योंकि कैमरामैन अभी इस साइड को है, दूसरी तरफ को बोलूँगा कि हमारे पीछे बैरिकेड्स लगे हैं। यहाँ हर आने जाने वाली गाड़ी से बाकायदा पूछताछ की जा रही है क्या आ रहा है। प्रशासन ने जो लॉकआउट है इसके लिए जो है जो इंतज़ाम किए हैं काफ़ी सख्त किए हुए हैं, और आप देख सकते हैं गाड़ी आई है, गाड़ी को बाकायदा रोका गया, पूछा जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। जो डेली नीड्स की जो है और जो मेडिसिन है उससे रिलेटेड है, जो सामान की जो रिलेशन वाली गाड़ियाँ हैं केवल वही गाड़ियाँ जो है वो चल सकती हैं। जहाँ तक लग रहा है कि ये जो गाड़ी गई है वो नज़दीक में NIT है, वहाँ के जो सामान है वहाँ के लिए गई है। तो हमारा सीधा सीधा कहना है कि केवल वही गाड़ियाँ निकालें जो इस्तेमाल के लिए हो, जो आपके जो ज़रूरी है वही निकलें। बेवजह अपने आप ट्रैवल ना करें, घरों में रहें, लॉकडाउन रहें। प्रशासन की भी यही मांग है और यही जो प्रशासन है वो चाहता है। हल्की हल्की बारिश भी लग चुकी है लेकिन पुलिस कर्मी जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं। जो अणु चौक की जो मेन दुकान है वो बंद है, केवल यहाँ पर जो है वो दवाई की दुकान खुली है। वहाँ भी अभी इस समय कोई आए हैं जो अपनी दवाई लेने पहुँचे हुए हैं, प्रशासन उनको देख रहा है। नीचे जो है वो डेली नीड्स के एक राशन की दुकान है वो खुली है, बाकी सभी दुकानें जो हैं वो बंद हैं। कहीं ना कहीं हमारे पीछे एक और सब्जी की दुकान है, यहाँ थोड़ी सी भीड़ नज़र आ रही है क्योंकि NIT के जो लोग हैं वो आए हुए हैं, कोई सब्जी खरीदने में लगा हुआ है। लेकिन जो भीड़ जिसको रोकने के लिए जो लॉकडाउन किया गया था वो हमीरपुर में कहीं ना कहीं दिख रहा है। लोग सजग हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं और जो काम है वही करने जो आ रहे हैं। हम आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे, हम दूसरे किनारों पे भी जाएंगे जहाँ जहाँ जो है वो चेकडाउन नाके लगे हुए हैं। लेकिन हमारा और प्रशासन का एक ही मकसद है कि लोगों को डराना नहीं है, हमारा कहना है कि सजगता से रहें और केवल ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकलें, वरना आप जो है अपने साथ साथ लोगों को भी जो संक्रमण है उससे कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमीरपुर में अभी तक कोई भी संक्रमण की बात जो है अभी तक सामने नहीं आई हुई है, और जो है वो यही जो चीज़ है हमें आगे भी लेके जानी है और लोगों को सुरक्षित रखना है। एचयूडी के लिए राजकुमार के साथ अरविंद।